दिल दिया गल्ला। एक कुछ फिक्का फिक्का नहीं लग रहा? ओ तो क्या नमक मिर्च डालना है इसमें? अयो रब्बा, मैं रंग की बात कर रही हूँ, स्वाद की नहीं। ठहर, मैं चमकी लेके आती हूँ, अंदर कमरे में पड़ी है। आओ। नहीं नहीं, तू रहने दे, मैं ही ले आता हूँ। ओए जिस तेजी से तूने जाना है, कल की सुबह हो जानी है इसको पूरा करते करते। बेचारी रिया बाहर बैठी है कब से। टेंशन पेंजी, इतनी टेंशन पकड़ो, संभालो अपनी ये टेंशन वाले छोले। मैं तो चली पेंजी। पेंजी समझा करो बात को, अगर मैंने इतनी ये छोलो टेंशन ले ली जवान में मेरे मुंह पे झुरियां पड़ जाएंगी। पेंजी मैंने माफ करो, माफ करो, माय गुरु माय गुरु माय गुरु माय गुरु माय गुरु माय गुरु। मेरा सामान? Oh my God. Excuse me. यहाँ एक लेडी खड़ी थी, मुझसे बात कर रही थी, कहाँ गई वो? मुझे नहीं पता मैम, मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया। अरे but she was here. She was standing here and talking to me. मुझे नहीं पता मैम। Security! 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 दसो मैम। आपने एक लेडी को बाहर आते देखा, उसके हाथ में एक सूटकेस था। एक लेडी और एक जेंट्स को मैंने लूना पे जाते देखा जी, उनके हाथ में एक बड़ा सूटकेस। कहाँ गए? पकड़ो उन्हें प्लीज। और जी वो तो कब के निकल गए, कहाँ ढूंढेंगे उन्हें? किस तरफ गए? उस तरफ गए जी। ओह गॉड, नाउ व्हाट? ओ सोनियो, अरे परेशान क्यों हो? मैडम बता दो, कुछ हम हेल्प कर सके तो। मैडम तो ठंड के मौसम में भी पसीना पसीना हो रखा है। पसीना? मैडम थोड़ा ठंडा कोल्ड ड्रिंक ले लो। लो लीजिए ना। अरे लीजिए ना मैडम। मैडम क्या हुआ, नाराज क्यों हो गई? मैडम तो कोई बात का जवाब ही नहीं दे रही। मैडम मैडम कहाँ जा रही है, अब थोड़ा गपशप कर लेते हैं ना। लीजिए ना मैडम। किसको फोन करूं, मैं तो यहां किसी को जानती भी नहीं। डॉक्टर दंगरपाल, The number you are trying to call is currently not reachable. Wow, this man, I tell you. अब किसको फोन करूं? ये है मेरा नंबर। बोल फरमाइश कर। वीर कहाँ तुम, जल्दी आओ। किसको फोन किया है तूने? फायर ब्रिगेड को? नहीं ना, तो फिर मैं क्यों जल्दी मचाऊं? आ रहा हूँ अपनी स्पीड पे। मैं ना मजाक के मूड में आज बिल्कुल भी नहीं हूँ, गुस्सा आया हुआ है मुझे। मुझे लगता है इस बार मेरी आने की खुशी किसी को भी नहीं है। बीजी और दार्जी पता नहीं क्या कर रहे हैं अंदर, कब से बाहर मुझे बेंच पे बिठा के रखा हुआ है। अंधो तुम्हारी सैरें नहीं खत्म हो रही उस नॉन रिलायबल इंडियन के साथ।
छोड़ा तुमने उसको होटल के नहीं? हाँ छोड़ दिया। खुश? हाँ खुश। आ जाओ अब जल्दी से। हाँ बस अभी अपनी जीप को हवाई गेट पे डालता और आया। ठीक है जल्दी आओ। बाय। Come on, Veer. Pick up the phone. अरे बोला ना आ रहा हूँ। पर मैं तो होटल में हूँ ही नहीं। तुम कहाँ आ रहे हो वीर? अमृता? पर तुम्हें कैसे पता चला कि? क्या? कि मेरा सूटकेस चोरी हो गया है। होटल के रिसेप्शन से। I've lost everything, वीर। और कुछ गुंडे भी मेरे पीछे पड़े हैं। मैं यहाँ बिल्कुल अकेली हूँ वीर। मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानती। प्लीज हेल्प मी। ये क्या हुआ? यार गिर गया था। किसके मुक्के से? और नहीं मुक्के वुक्के पे नहीं यार, सड़क पे गिर गया था। हाँ हाँ मुझे बेवकूफ ना मत बनाओ। मुझे पता है कॉलेज में बहुत लड़कों ने मेरे लिए मुक्के खाए हैं। उनकी छाप कैसी होती है ना मेरे को पता है। ये बताओ ये किया किसने है? यार किसी ने नहीं किया है। बोल लो झूठ मुझसे। सच्ची बताओ किसने किया ये? बताओ मुझे। यार वो बिट्टू। बिट्टू और उसके आदमियों ने उन लोगों ने एक हफ्ते का टाइम और दिया है। एक हफ्ते में उनके पैसे वापस करने पड़ेंगे वरना वो पता नहीं क्या करेंगे। अपना मैं किसी की नहीं सुनने वाली। मैं अभी करती हूँ डैडी जी को फोन। और उनको मान भाई साहब से ना एनओसी साइन करानी पड़ेगी। ओ नहीं नहीं पूछेंगे क्या मुसीबत आ गई है तो क्या जवाब देंगे। कुछ भी बोल दूंगी मैं, कुछ भी कह दूंगी मैं। ओ नहीं नहीं गुस्से और जल्दबाजी में ना काम बिगड़ जाते हैं। तो खुद ही तो बोलती है तू। और इससे ज्यादा क्या बिगड़ेगा? शायद कुछ सुधर ही जाए। ओ नहीं ठंड रख तू। मैंने ना कुछ सोचा है। क्या? क्यों फोन कर रहे हो आप? तुम्हारी वजह से मेरे क्लाइंट के सामने मेरी कितनी इंसल्ट हुई है डू यू एन नो दैट? सॉरी मैडम जी, वेरी वेरी सॉरी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जी। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ जी, मैं आपको अब एक दूसरा पीस देता हूँ जी, उससे भी ज्यादा अच्छा पीस देता हूँ इस बार। ट्रस्ट मी जी। ट्रस्ट यू? मैडम मैं वादा करता हूँ आपसे इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी। पक्का प्रॉमिस जी। ऑलराइट जब पीस पहुंच जाएगा तब बात करेंगे। हेलो मैडम जी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट और थी जी। इस बार अगर एडवांस थोड़ा मिल जाता तो जी मैं। एडवांस? रियली? मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाली हूँ। तुम लोग सब अनप्रोफेशनल हो। मासी मासी काम डाउन, आराम से बात करो, थोड़ा नरमी साथ है, बात करो। ले तू जो बात करा टीचर साहब। हेलो। अरे मेरे से बात करानी थी ना, तब सारी चीजें दिखा देती मैं। समझती क्या? क्यों? हमने क्या जान पूछ के उसका ऑर्डर नहीं पूरा किया? हमें तो शौक है जैसे पहले पैसे खर्च करें, मूर्ति मंगवाएं और फिर मूर्ति तोड़वा कर उनकी गालियां खाएं और जिसे पैसे लिए हैं उसके मुक्के खाएं। बताओ, अरे बिजनेस करना है और पैसे भी नहीं देने। एडवांस ही तो मांगा था आपने, कोई भीख तो नहीं मांगी थी? अरे हम ईमानदारी से काम करते हैं, धोखाधड़ी नहीं है हमारे खून में, लेकिन इन्हें क्या फर्क पड़ता है? अगर थोड़ी मदद कर देंगे ये लोग हमें अपना मानकर तो छोटे हो जाएंगे क्या? हर रोज खाना खाने के पैसे इकट्ठा नहीं हो पाते, तब भी हम ईमानदारी से काम करते हैं। इसी काम काज से घर चलाने के लिए हर रोज मरते हैं हम मिडिल क्लास लोग। अरे
ओए हरनीत, पहले ना तू अपने कान साफ करवा। अरे कहा तो कर तो रहा हूं। ओए 6 महीने कोई कम लंबा टाइम नहीं होता है। हाँ समझ गया तू। अच्छा चल तू फोन रख, कल बात करते हैं। फोन रख। एक ही बात बार 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 लगा पड़ा। अगर इन्होंने छोले देख लिए तो कार में तहलका मच जाना है। कुछ चाहिए क्या? आओ पानी। ला, मैं मर गई हूं जो खुद लेने लग गए। मुझे आवाज दे दी होती। ओए शुभ शुभ बोला कर संजोत। मैंने सोचा तू कमरा ठीक करने गई है, मैं अपने आप ले लेता हूँ पानी। ज्यादा सोचा ना करो आप। तुसे थोड़ा लेट के आराम कर लो, तब तक मैं सब्जी काट लेती हूँ। ठीक है? हाँ जी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.